हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो वैक्यूम मशीन है दोस्तों, तो ये काम कैसे करती है तो इसके बारे में बताऊंगा। और पिछली वीडियो में मेरी दोस्तों मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की हुई है, तो अगर आपको देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मशीन है तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये मशीन है और तो दोस्तों इसके पीछे एक स्विच लगा होता है, यहाँ पे दोस्तों ये देख लीजिए, इसमें लाइट जली हुई है, तो इसे आप ऑन करोगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी। और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ आपको एक हीटर दिख जाएगा, आपको एक पंप हो जाएगा दिख जाएगा ये, और एक ये जो वैक्यूम वाला बटन है आपको ये दिख जाएगा इधर, ये देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप टेम्परेचर अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे सेट का बटन है, तो मैंने 90 में सेट कर रखी है, तो ये 90 में सेट है दोस्तों अभी। आप बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से, आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा ये वर्क कैसे करती है। मेरे पास दोस्तों फ़ोन है, ये सैमसंग का है, J2 फ़ोन है दोस्तों, देख लीजिए J2 6। तो दोस्तों इसका अगर हमें फोल्डर निकालना है, तो अगर इस फ़ोन को हमने इसका मदरबोर्ड निकालना है, जैसे इसमें माइक प्रॉब्लम आ गई या कुछ और भी प्रॉब्लम आ गई जैसे डेड हो गया, तो सबसे पहले इसका फोल्डर निकलता है दोस्तों। तो फोल्डर निकलता है तो अगर आप नॉर्मली इस फोल्डर को निकालोगे तो दोस्तों इसमें से इसका स्क्रीन टूटने का डर रहता है दोस्तों, जो है ये स्क्रीन टूटने का डर रहता है। तो अब देखते हैं कि इसको इस मशीन से कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आपको ये एक इसमें रबड़ का ये मिल जाता है आपको, तो इसको आपको रखना है, इसमें मिला के रखना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ कुछ छेद दे रखे हैं जिसमें ये वैक्यूम जो हवा है तो वो फ़ोन को चिपका देता है। देख लीजिए दोस्तों हमने फ़ोन रख दिया इसमें और ये 90 पे सेट है। तो दोस्तों हमने मशीन में गर्म कर लिया इसे, तो अब देखिए कैसे उतारते हैं, एकदम से कैसे उतरेगा ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हल्का और गर्म करोगे तो आपका ये फोल्डर निकल जाएगा, वैसे पूरा फ़ोन खुल गया है और ये रहा इसका मदरबोर्ड दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इसका फ़ोन कैसे आसानी से खुल गया, जो फ़ोन आसानी से नहीं खुलते हैं। तो दोस्तों ये खासियत है इस मशीन की, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, तो जो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो यही था वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।